हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे तो मैं भी बर्तन धुली हूँ और जा रही हूँ झाड़ू पोछा लगाऊंगी। और ट्राइपॉड से भी नहीं बना रही हूँ, सूट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मोबाइल अभी है नहीं मेरे पास। और थोड़ी बहुत आती है तो शूट कर पाती हूँ। देखूँ देखी कल का ब्लॉग, जरा भी मेरा व्यूज नहीं किया क्योंकि मैं किसी के ब्लॉग पे नहीं गई, तो लोग मेरे ब्लॉग पे भी नहीं आए। बट कोई नहीं, ऐसे थोड़े ही चलेगा, है ना। और जो लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करते तो है नहीं, बोलना मेरा काम है, आगे आप लोग की मर्जी है ना। और मैं भी जा रही हूँ, थोड़ी खुल्ला ब्रश करूँगी, है परेशान कर देता है। और हाँ, लोग आजकल बहुत टी शर्ट और पजामा में बना रहे हैं ब्लॉग, तो अब मैं भी बनाऊंगी, देखती हूँ कैसे बनता है। मुझे तो आता ही नहीं बनाने। देखिए कैसे परेशान करता है। अब मैं तो हमेशा टी शर्ट पजामा पहनते ही रहती हूँ, लोग टी शर्ट पजामा ब्लॉग लिख देते। चलिए ठीक है, आज है संडे तो थोड़ी बहुत मैं कुछ काम कर लेती हूँ, है ना। गिर गया था बेटा, गिर गया था नोजी बहरा में सोना के, गिर गया था। हाँ कैसे गिर गया था वो? देखिए कैसे सब गिरा रहता है, एक भी सामान सही से नहीं रहता है, सब मेढक चूहा गिरा गिरा के रख देता है। इधर देखिए ये सब दीवार छूट छूट के ऐसे गिर रहा है, मैं क्या करूं, पागल बन गई। फिर मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ। और संडे को सोचे ना कि काम जल्दी हो जाए, तो नामुमकिन है काम जल्दी होना। इस दिन तो और लगता है कि मेरा तो और 12 बज जाता है, 12 नहीं 2-3 बज जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं जल्दी झाड़ू लगाती हूँ। फिर झाड़ू पोछा लगाने के बाद ये दिखा रही थी कि ट्राइपॉड मेरा ऐसे ही वहाँ पर रखा हुआ है सेट करके, मैं अभी कुछ कर नहीं पाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगा लेती हूँ। थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी थी और कुछ कुछ मैं काट दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया था वो। अभी भी देखिए 12 मिनट हो गया, इसको भी अभी शॉर्ट करूँगी एडिट कर रही हूँ तो। और इधर तो बारिश होने लगा, दोपहर है, मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो दोपहर हो रही है अभी, मतलब 1-1.5 बज रहे होंगे। और ये क्लिप मेरा आज ही का है, मतलब संडे का ही है, और 11-12 बजे तक का एक मतलब ब्लॉग है, तो आप सब ज़रूर मतलब देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, है ना। और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और पोछा लगाने के बाद बस इस बाल्टी को मैं थोड़ा सा धो लेती हूँ साबुन से। और एक केन है, मैं केन से ही पानी पीती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। अभी थोड़ा बड़ा बर्तन नहीं ले पाई हूँ, लूँगी पानी पीने के लिए, इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा अटता है, तो ऐसे गिलास से थोड़ा छोटा सा लोटा है उससे पीती हूँ। तो इसको भी धुल दी थी, धो देती हूँ, ऐसे ही पड़ा था, नहीं ध्यान में था, बाकी सारे बर्तन धुल दी थी मैं। अरे सुबह हस्बैंड मांगे थे पानी तो मैं उनको दी थी, तो ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसके साथ मैं दोनों धो देती हूँ। अरे यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं तो एकदम थक गई पानी की प्रॉब्लम सहते सहते, फेस करते करते हर चीज़ का तो प्रॉब्लम फेस ही कर रही हूँ। पता नहीं भगवान कब मेरी सुनेंगे, कब मुझे भी यूट्यूब से सैलरी आएगी। है ना। अरे देखिए यहाँ पे बेटी एक कोन वाला चॉकलेट लाई थी, तो अपने लिए लाई तो बाबू भी मांगने लगा था, तो वही मैं दिखा रही थी कि देखिए इसमें ऊपर से कोन भर है और अंदर से उसमें चॉकलेट वाला टॉफी भरा हुआ है, चॉकलेट है मतलब ऐसे ही। तो अच्छा लगा था, मैं तो नहीं टेस्ट की थी, मतलब देखने में अच्छा लग रहा था,
तो फिर बाबू को भी मैं ला कर मंगाल देती हूँ कि एक तुम ले लो एक बाबू के लिए ला दो। का है रे? चेहरा किसने कर दिया है? चॉकलेट खाता है। सब खा गया? हाँ। 5 रुपए ये भी खा लिया। अब जा रही हूँ चाय बनाने। इसका नाश्ता हो गया सुबह का चॉकलेट से। अभी हस्बैंड गए हैं कहीं, तो मैं सोची वो आएंगे तब चाय बनाऊंगी। जा रही थी अभी ब्रश वॉश करने, सारा काम तो कर ली। और इसके बाद यहाँ पे मतलब 7:30 ऐसे बज गए थे, तो मैं ब्रश करके पानी पी रही थी और इधर हस्बैंड थे, कुछ मुझसे बोल रहे थे तो मैं हंस रही थी और पानी पी रही थी। तो सुबह सुबह मैं पानी हमेशा पीती हूँ ब्रश करने के बाद, उसके बाद ही मैं कुछ खाती पीती हूँ, नहीं तो मेरा पेट दर्द देने लगता है, क्या बताऊँ। मैं पी लेती हूँ, आप सब भी पीजिए, अच्छा रहता है, ऐसे भी खाली पेट पानी पीना है ना। इसके बाद मैं फिर चाय बनाने बैठ जाती हूँ कि हस्बैंड आ गए थे तो सोची चाय बना लेती हूँ, चाय टोस्ट खा लेंगे, उसके बाद जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, है ना। तो आप सब ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। और क्या बताऊँ, मैं कुछ नहीं बता पाती, सब लोग आप लोग के सामने सब चीज़ है ना। आप लोग देखिए, फुल वॉच कीजिए, सिर्फ टाइटल और थंबनेल देख के कमेंट करके मत जाया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन सबको यही चाहते हैं कि उसे ये और इसके अच्छा बाद जो लगे। आम का अचार में डाली थी ना, तो उसमें थोड़ा तेल कम डाली थी, दो बार अचार लगाई थी मैं, तो वही मैं हिला के मतलब उसे हिलाते रहने से ना थोड़ी सही रहती है। और ये मेरी चाय बन गई थी, तो आप सब भी आकर चाय पी लीजिए। इसके बाद चाय पीने के बाद हस्बैंड फिर पाइप लगाते हैं भरने के लिए पानी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी सब भरने लग जाती हूँ, खाना नहीं बनाती हूँ। आज ना मेरा खाना बहुत लेट से बना, मैं परेशान हो गई आज, इतनी परेशानी क्या करल, सॉरी अपने अपना लैंग्वेज में कभी कभी मैं आ जाती हूँ, क्या किया जाए, है ना। मैं इधर हस्बैंड को बोल रही थी कि इसमें थोड़ी सी भर दीजिए, तब तक मैं इधर खाना बनाऊँगी, लेकिन बना नहीं पाती हूँ, सोचती हूँ कुछ और पानी वाला जो काम है पहले वो कर लूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने बैठ जाती हूँ। मुझे बहुत परेशान करते हैं, आज मैं संडे है, संडे में सोची आज नहाऊँगी, स्नान करूँगी जल्दी से, और दिन मैं स्नान कर लेती थी, बट आज तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, हम पागल बन गई। अभी बाबू को स्नान की तो लेके वो गए बाहर घुमाने, ताकि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, खाना बनाने के बाद तब मैं स्नान कर लूँगी, बना लेती हूँ, है ना। और आज मैं ट्राइपॉड में लगाई हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, डर लग रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं चाय पी कैसे बैठी हूँ, अभी 10 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ ना बड़ी, इसको अदौरी भी बोलते बिहारी भाषा में, तो इसकी सब्जी आज बनाऊंगी। तो इसका पूरा रेसिपी मैं मतलब रिकॉर्ड की थी अपने मोबाइल में, लेकिन सब बेकार हो गया। ये देखिए की सब्जी बना, चावल बना रही हूँ, देखिए चावल हुआ ये देखिए दिख रहा है, प्याज में इतना सारा काटूंगी, इसमें प्याज रहता है ना, जितना ज्यादा प्याज डाली अच्छा लगता है। आज एक भी काम नहीं कर पाई, कुछ नहीं दिखता नीचे, है ना। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ठीक है, आप सब लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। मैं क्या सोची थी क्या हो जाता, मैं आज बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, पता नहीं क्यों, अपने आप मन बहुत दुखी है, क्यों है समझ में ही नहीं आ रहा है। विद्या उद्या सब उखड़ गया याद आता है विद्या, और मैं इसी की सब्जी बनाती हूँ। और ये चने की दाल की, मूंग की दाल की, उड़द की दाल की रहती है, तो मैं बनाई थी इसकी सारी रेसिपी मैं रिकॉर्ड की थी, लेकिन सब मेरा मोबाइल ही मर गया तो रिकॉर्ड क्या हो गया। और इधर इतनी धूप में मैं फिर खाना बनाने के बाद सारे बर्तन को धुल रही थी, और उसके बाद फिर मैं स्नान कर ली थी,
और मैं ये दिखा रही थी कि मैं इस टी शर्ट पे ना ये वाला पजामा पहनी हूँ तो कैसा लग रहा है, बट पता नहीं चल रहा था, आवाज़ ही नहीं आ रहा था। और उसके बाद ये देखिए हस्बैंड भी बाबू को लेके आ गए थे, तो मैं उनसे बोल रही थी कि सारे लोग पाइप से लेते हैं तो यहीं पे स्नान करते, पाइप भी सब पानी बहा बहा करते हैं, और आप मुझे तुरंत कहते बंद करो बंद करो, तो मैं उनको बोल रही थी कि वैसे करते। और इसके बाद ये देखिए बाबू भी कैमरा देख के मम्मा मम्मा कह रहा था, मतलब दूध पीने के लिए परेशान कर रहा था, उसे मतलब है बस दूध से और किसी से भी नहीं। बज रहे हैं और मैं अब सारा काम कर ली, खाना भी खा ली तो ठीक है। बस मैं अपने ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग है ना, कौन सा है मैं भी आज थोड़ी सी टाइटल यूज कर रही हूँ है ना, सबका कॉपी कर रही हूँ क्या, टी शर्ट पजामा ब्लॉग तो ठीक है। ऐसे भी मैं तो मेरा हर ब्लॉग टी शर्ट पजामा में ही रहता है, पर मैं कभी इस पर गौर नहीं की, बट मैं देख रही हूँ आजकल लोग इस पर भी ज़्यादा लोग बना रहे, तो मैं भी बना दी, तो बना दी क्या, जो है जैसा है बस कंटेंट डाल दूँगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए मस्त रहिए। और कल है 4 जुलाई, तो कल मेरे भाई का, मेरे बाबू का, मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई का बर्थडे है, तो आप सब उसे भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, उसका बर्थडे विश कीजिएगा है ना, ताकि वो बेचारे हर कदम पे आगे बढ़े और बस गम से लाखों कोसों दूर रहे, खुशियाँ उसके झोली में हमेशा रहे। गॉड ब्लेस यू बेटा, और हैप्पी बर्थडे माय लविंग ब्रदर, मेरा भाई, मामा जी के कह दो हैप्पी बर्थडे मामा जी। ठीक है, बाय बाय।